हेलो फ्रेंड, जैसे कि आप सब जानते हैं, हम कर रहे थे जेई जेके एस एस बी जेई सिविल का हम सिलेबस हमने स्टार्ट किया था। तो हमने सब्जेक्ट स्टार्ट किया था कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसके हमने 8 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका 9th पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं, 9th पार्ट देखने वाले हैं। तो 9th पार्ट में आज हम क्या क्या देखेंगे, हम देख लेते हैं। ठीक है, तो 9th पार्ट पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जेके एस एस बी जेई सिविल का सिलेबस हमने लिया था। यही सिलेबस आपके दूसरे एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है, एई के एग्जाम में या अदर स्टेट के जो भी जेई या एई लेवल के एग्जाम है उसमें पूछा जा सकता है। तो आपको ये ध्यान से देखना है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं पार्ट 9 में हम कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं। पार्ट 9 में हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? आई होप आपको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता होगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ठीक है, अगर नहीं पता है तो हम देख लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्ट इज एन अंडरस्टैंडिंग बाय ए पर्सन और ए फर्म। ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है कंस्ट्रक्शन मतलब जो भी पर्सन है या फिर कोई फर्म है उसके बीच की अंडरस्टैंडिंग। फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी टाइप ऑफ वर्क, फॉर सप्लाई, फॉर लेबर, फॉर एनी सर्विस टू कंप्लीट द वर्क इन द कनेक्शन अंडर सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस इज नोन एज ए कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो जैसे कि ये कॉन्ट्रैक्ट होता क्या, मान लेते हैं हमारे पास 2 पर्सन है, एक पर्सन यहाँ पे है और एक पर्सन, 2 पर्सन मेरे पास है, या मान लेते हैं ये क्या है, 2 पर्सन है। ठीक है, ये पर्सन 1 है, ये पर्सन 2 है। ठीक है, पर्सन 1 पर्सन 2, या मान लेते हैं ये एक फर्म है, फर्म या कंपनी है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, इन दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग कोई काम करने के लिए उसे हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि पर्सन 1 ने बोला कि मेरे को एक जो है एक काम करना है, एक बिल्डिंग बनानी है। ठीक है, तो पर्सन 2 ने बोला कि ठीक है हम बना लेते हैं बिल्डिंग। ठीक है, तो ये साथ में एक काम को करेंगे, बिल्डिंग बनाने के काम को करेंगे, तो ये आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का मतलब हो गया ये क्या मतलब, ये डिसाइड करेंगे, जैसे मान लो पर्सन 1 ने बिल्डिंग बनानी है तो वो बोलेगा कि बिल्डिंग में ये चीजें चाहिए। ठीक है, पर्सन 2 को बोलेगा, तो पर्सन 2 क्या है, बिल्डिंग बनाने में एक्सपर्ट है, तो वो देखेगा कि बिल्डिंग में क्या क्या करना है और कितनी कास्ट लग रही है, तो उसके हिसाब से वो क्या करेंगे आपस में। अगर पर्सन 2 को लगेगा कि ये बिल्डिंग बनाने से मेरे को फायदा होगा तो वो क्या करेगा, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, प्रोजेक्ट को जैसे ही एक्सेप्ट किया तो उसका मतलब हो गया कि वो जो है उनका बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे जिसके बाद जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है, मान लेते हैं ये जो पर्सन 1 ने एक प्रोजेक्ट बताया, पर्सन 2 को वो अंडरस्टैंड हो गया, उसको समझ आ गया कि इसमें फायदा है, तो वो क्या करेगा उसको अंडरस्टैंड करके उस पे एक कॉन्ट्रैक्ट को वो साइन करेंगे और वो क्या करेंगे, काम को करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, कॉन्ट्रैक्ट इज एन अंडरस्टैंडिंग बाय ए पर्सन और ए फर्म। ठीक है, पर्सन के बीच में या फिर दो फर्म जो है उनके बीच में ये अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी टाइप ऑफ वर्क, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन हो गया मतलब कोई काम करना। ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ एनी टाइप ऑफ वर्क, अब ऐसा नहीं कि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ही होगा, एनी टाइप ऑफ वर्क फॉर सप्लाई ऑफ लेबर, जैसे कि मान लेते हैं सप्लाई ऑफ लेबर, लेबर को सप्लाई करना वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, कोई और सर्विस आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है, और सर्विस आपको चाहिए वर्क को कंप्लीट करने के लिए, तो वो उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एट सर्टन टर्म्स एंड कंडीशन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको रिमेम्बर रखना है, अंडर सर्टन टर्म्स एंड कंडीशन। तो उसके जो कॉन्ट्रैक्ट जब साइन किया जाता है तो वहां पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाती हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस का मतलब होता है, जैसे कि मान लेते हैं पर्सन 1 ने एक प्रोजेक्ट दिया और पर्सन 2 को कि तू ये कंप्लीट कर, तो इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होंगी, जैसे लिखा होगा कि बिल्डिंग में ब्रिक्स जो है फर्स्ट क्लास यूज होनी चाहिए। ठीक है, जो लेबर है वो अच्छी लेबर होनी चाहिए, स्किल्ड लेबर यूज होनी चाहिए। ठीक है, और जो मटेरियल है वो अच्छे यूज होने चाहिए। तो अगर मान लिया जो पर्सन 2 ने ये चीजें सारी मान ली, तो उनके बीच में जो है एक कॉन्ट्रैक्ट, एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी और वो उस काम पे जो प्रोजेक्ट है उस पर काम करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये
सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन का पॉइंट जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो है अंडरस्टैंडिंग एग्जीक्यूशन टाइप ऑफ वर्क एंड सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप आपको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझ आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके टाइप्स की, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो हमारे पास जो मेन डिफरेंट टाइप्स हैं कॉन्ट्रैक्ट्स की, मेन टाइप्स हैं वो हमारे पास है। फर्स्ट है आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है इसको हम आगे देखेंगे। आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट के सब डिविजन है हमारे पास। फर्स्ट है परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट, सेकेंड हमारे पास है शेड्यूल रेट कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड हमारे पास है लेबर रेट बेसिस, देन फोर्थ हमारे पास है थ्रू रेट बेसिस, ठीक है। और जो सेकंड हमारे पास टाइप है कॉन्ट्रैक्ट की वो है लंप सम कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। थर्ड हमारे पास है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ आइटम रेट एंड लंप सम, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मतलब आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट भी यहाँ पे काम करता है और लंप सम कॉन्ट्रैक्ट भी काम करता है। तो ये हमारे पास तीन टाइप्स हैं, तीन मेन टाइप्स हैं कॉन्ट्रैक्ट्स की, और इसमें कुछ आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट की हमारे पास सब टाइप्स हैं, ठीक है। तो इनको हम आगे देखेंगे कि आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, शेड्यूल रेट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, लेबर रेट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, थ्रू रेट बेसिस क्या होता है, लंप सम कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ आइटम रेट एंड लंप सम क्या होता है, ठीक है। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे, हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, ठीक है। आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है। हम बात करें आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट की, तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। इन दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कंस्ट्रक्शन में हम पढ़ रहे हैं, इन कंस्ट्रक्शन फॉर कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है। तो अब जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमेशा कॉन्ट्रैक्टर के लिए ही होता है, मोस्टली जो है कॉन्ट्रैक्टर के लिए ही कॉन्ट्रैक्ट होता है कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन कंस्ट्रक्शन फॉर कॉन्ट्रैक्टर्स, द कॉन्ट्रैक्टर्स हैव टू कोट द रेट फॉर ईच आइटम ऑफ द वर्क, ठीक है। तो इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर होता है इसको क्या करना होता है, कोट करना होता है रेट, ठीक है। कोट का मतलब होता है उसको रेट हर एक आइटम के लिए रेट कोट करना होता है, ठीक है। फॉर ईच आइटम ऑफ वर्क, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ईच आइटम ऑफ द वर्क, ठीक है। तो इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, मान लेते हैं कॉन्ट्रैक्टर वो हो गया जिसको काम लेना होता है, ठीक है। तो इसको कॉन्ट्रैक्टर को क्या होता है यहाँ पे कोट करना होता है हर एक आइटम के लिए अपना रेट कोट करना होता है। जैसे कि मान लेते हैं मटेरियल है, मटेरियल में मान लेते हैं उसको सीमेंट है, ठीक है, उसका अलग से रेट कोट करना होता है, ठीक है। उसके बाद जो एग्रीगेट है उसके लिए उसको अलग से रेट कोट करना है, मान लेते हैं सीमेंट इतने मतलब जो जिसने प्रोजेक्ट बनवाना होगा वो क्लाइंट बोलेगा, उसको हम क्लाइंट बोलते हैं, जिसको मतलब प्रोजेक्ट बनवाना है काम करवाना है उसको हम बोलते हैं क्लाइंट, और जिसने काम करना है उसको हम कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं। तो क्लाइंट ने बोल दिया कि हमारे पास सीमेंट की रिक्वायरमेंट है हमारे पास 100 बैग्स की, ठीक है। तो 100 बैग्स की रिक्वायरमेंट है, वो रेट नहीं बताएगा, वो बोलेगा कॉन्ट्रैक्टर को हमें 100 बैग चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, 100 बैग की रेट, 100 बैग का जो रेट बनेगा वो बताएगा क्लाइंट को कि इतना रेट बनता है, ऐसे ही एग्रीगेट का अलग अलग बताएगा, ठीक है। तो इस आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, हर एक आइटम का अलग अलग से रेट कोट करना पड़ता है कॉन्ट्रैक्टर को, ठीक है, विदाउट रेफरेंस टू एनी शेड्यूल ऑफ रेट्स। तो वहां पे हमारे पास शेड्यूल ऑफ रेट नहीं होता, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विदाउट रेफरेंस टू एनी शेड्यूल ऑफ रेट, कोई भी शेड्यूल नहीं होता रेट का कि मतलब इस सीमेंट का रेट कितना है, एग्रीगेट का रेट कितना, वो मतलब वहां पे नहीं होता। तो कॉन्ट्रैक्टर को अपने हिसाब से वो कोट करना होता है। This method is adopted when a reasonably complete schedule of rates is not available, ठीक है? मतलब जब हमारे पास जो schedule of rates जो है वो available नहीं होता है, तो उस case में इस item rate contract को हम use करते हैं, item के basis पे हम rate लगाते हैं। When the work is to be carried out or when the number of non-scheduled items in the work are more, ठीक है? मतलब non-scheduled item जो है work में हमारे पास ज्यादा है, ठीक है, नॉन शेड्यूल आइटम जो है अगर वो ज्यादा है तो हम आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही आता है, ठीक है, ये इसका सब पार्ट है। तो इसको हम देख लेते हैं, परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट को ये क्या होता है।
इन दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द रेट्स फॉर वेरियस आइटम्स आर फिक्स्ड बाय द डिपार्टमेंट। ठीक है, जो भी रेट्स हैं इसमें आइटम्स के, ठीक है, जो भी रेट इसमें आइटम्स के हैं उसको कौन फिक्स करता है? डिपार्टमेंट फिक्स करता है। ठीक है, डिपार्टमेंट फिक्स करता है और जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, ठीक है, वो एग्री होता है टू डू द वर्क एट ए परसेंटेज अबो बिलो द रेट। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, वो एग्री हो जाता है उस काम को करने के लिए उसके रेट के नीचे या ऊपर, मतलब कुछ रेट मान लेते हैं कि डिपार्टमेंट ने रखा कि एक काम है जिसको करने में 10 रुपए लगेंगे, तो कॉन्ट्रैक्टर ने बोला कि मैंने लेने 12 रुपए, तो वो उस काम को एग्री हो जाता है करने में। कभी कभी तो वो, जैसे डिपार्टमेंट ने 10 बोला, वो बोलेगा मैं 8 पे ही काम कर लेता हूँ। क्यों कर रहा है वो उसकी अपनी मर्जी है, हो सकता है उसको जो मटेरियल आ रहा है पीछे से वो इससे भी सस्ता आए। ठीक है, दिस मैथड इज अडॉप्टेड फॉर वर्क एट प्लेसेस वेर रिजनेबल एंड कम्प्लीट शेड्यूल और लिस्ट ऑफ डेट्स इज अवेलेबल। मतलब जहाँ पे शेड्यूल या फिर लिस्ट ऑफ डेट अवेलेबल है वहां पे ये कॉन्ट्रैक्ट यूज होता है। ठीक है, परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइप है इसमें शेड्यूल रेट कॉन्ट्रैक्ट। शेड्यूल रेट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द वर्क इज अलॉट एट फिक्स रेट्स फॉर डिफरेंट आइटम्स। ठीक है, तो मतलब डिफरेंट आइटम्स यहाँ पे होती हैं, उसको जो रेट होता है वो फिक्स्ड होता है। ठीक है, जो वर्क होता है अलॉट किया होता है उसका, जो डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स होती हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट रेट हमारे पास अवेलेबल होते हैं। ठीक है, एंड द पेमेंट डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी एंड द काइंड ऑफ वर्क डन डन आर एंड सप्लाई में। ठीक है, तो जो उसकी जो पेमेंट होती है, उसके जो कॉन्ट्रैक्ट की जो पेमेंट होती है वो किस पे डिपेंड करती है? क्वांटिटी क्वांटिटी पे एंड क्वालिटी पे। ये काइंड ऑफ वर्क डन या फिर सप्लाई मेड का मतलब होता है क्वालिटी। ठीक है, उसकी क्वांटिटी पे एंड क्वालिटी पे उसके जो पेमेंट है वो उस पर डिपेंड करती है, क्वालिटी पे एंड क्वांटिटी पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लेबर रेट बेसिस। लेबर रेट बेसिस का मतलब क्या होता है? इन सम केसेस द कॉन्ट्रैक्ट कोट्स द लेबर रेट एट सम परसेंटेज अबो और बिलो द रेट्स प्रिवेलिंग इन द एरिया फॉर वेरियस आइटम्स ऑफ वर्क। ठीक है, तो इस केस में लेबर रेट बेसिस में क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कोट करता है लेबर के रेट को। ठीक है, लेबर के रेट को वो कोट करता है सम परसेंटेजेस पे, मतलब वो परसेंटेज हमारी ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, वो उस एरिया के गिवन एरिया के अकॉर्डिंग हमारे पास होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं थ्रू रेट बेसिस। थ्रू रेट बेसिस क्या होता है? इन सम केसेस द कॉन्ट्रैक्टर कोट्स द रेट्स फॉर डूइंग वर्क सम परसेंटेज अबो और बिलो द थ्रू रेट्स। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर इसमें क्या करता है, कोट करता है रेट्स वर्क को काम करने के लिए थ्रू रेट्स के बेसिस पे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझ आ गया होगा, इसके जो टाइप्स हैं इसके बारे में भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, फिर भी आपको कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारे पास है लंप सम कॉन्ट्रैक्ट। अब लंप सम कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ठीक है, लंप सम कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें, इन दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्रैक्टर्स हैव टू कोट ए लंप सम फॉर कंप्लीटिंग द वर्क अकॉर्डिंग टू द गिवन स्पेसिफिकेशन एंड ड्राइंग। ठीक है, लंप सम का मतलब होता है, मतलब उसको अपने हिसाब से, मतलब लंप सम करना होता है कि कुछ ऊपर कुछ नीचे करके उसको एक कोट करने होते हैं, रेट कोट करने होते हैं। ठीक है, किसी काम के भी उसको रेट कैसे कोट करने, लमसम करना है, मतलब कुछ ऊपर होगा किसी चीज में ऊपर रेट लगाएगा, किसी में नीचे लगा के वो कैसे लगाएगा, स्पेसिफिकेशंस को देख के और ड्राइंग्स को देख के, मतलब ड्राइंग को देखेगा कि गिवन प्रोजेक्ट में कौन कौन सी चीजें यूज हो रही हैं, उसकी स्पेसिफिकेशंस देखेगा, उसके बेसिस पे वो रेट कोट करेगा। ठीक है, दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज गिवन ऑनली इन एक्सेप्शनल केसेस। तो एक्सेप्शनल केसेस में ही इसको कॉन्ट्रैक्ट का हम यूज करते हैं, लमसम कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, The contractor must include the necessary conditions to safeguard and protect the interest of the government. ठीक है, तो जो contractor है उसको necessary conditions जो है उसका ध्यान रखना पड़ता है, necessary condition जो है government ने regulate की होती है उसका ध्यान रखना होता है उसको, contractor को। ठीक है, lump sum contract में। उसके बाद हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मीन्स इसमें आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट भी आ जाता है और लम्प सम कॉन्ट्रैक्ट भी आ जाता है। इसमें क्या होता है,
In this contract, a fixed sum of agreed upon for the completion of a particular work by the contractor, ठीक है? तो इस कॉन्ट्रैक्ट में एक फिक्स्ड अमाउंट जो है एग्री होता है, मतलब फिक्स्ड अमाउंट मान लेते हैं कोई काम करना है, तो एक काम है मान लिया गवर्नमेंट ने बोला कि इस काम को 100 रुपये में करना है, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर भी इसको मान गया, तो वो हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, मतलब आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट भी इसमें आ गया, लमसम कॉन्ट्रैक्ट भी इसमें आ गया, ठीक है। इन केस ऑफ एनी एडिशन और ऑल्टरेशन दैट पेमेंट इज मेड आर डिडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द शेड्यूल लिस्ट ऑफ डेट्स, ठीक है। तो मान लेते हैं कि फ्यूचर में कोई एडिशन करनी हो या फिर कोई ऑल्टरेशन करनी हो, ठीक है, अगर ऑल्टरेशन हो जाए पेमेंट में, पेमेंट मेड आर डिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द शेड्यूल लिस्ट ऑफ डेट्स, ठीक है, वो जो डिडक्शन जो है वो शेड्यूल ऑफ रेट लिस्ट ऑफ रेट में से हमारी होती है, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, फिर भी आपको कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें, थैंक यू।